सो ये अभी जो आपके सामने है एम जी हेक्टर प्लस 6 सीटर जो है मॉडल है, जो कि अभी नए अवतार में अपने लॉन्च हो चुका है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, कुछ एक दो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखा दूंगा इस ओल्ड वाला, जो ओल्ड जो मॉडल था इसका, वो जो है कुछ आपके सामने ये रहा। ये जो इसका ओल्ड मॉडल था, जो अभी न्यू मॉडल आया है, वो जो है आपके सामने यहाँ पे है। सभी जो उसका पूरा डिटेल वॉकराउंड करते हैं। अभी जो है सनलाइट भी लो होती जा रही है, आपको जो जल्दी से दिखाने की कोशिश करूँगा सब कुछ। सबसे पहले इसकी की आप देख सकते हो, इसमें जो आपको 3 कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे अनलॉक, लॉक एंड जो है बूट ओपनर आपको करके दिखाता हूँ। पहले अनलॉक करते हैं, तो जो गाड़ी मैंने अनलॉक की, अभी जो है बूट जो है खोलते हैं इसका। अभी जो आप देख सकते हैं बूट जो है ऑटोमेटिक खुल चुका है, आपको जो है कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ की को जो है यहाँ पे प्रेस करके रखिए, यहाँ पे जो है बूट ओपन हो जाता है। अभी इसको क्लोज करना है तो आपको दिखा देता हूँ, पीछे जो बटन दिया गया है कुछ नहीं करना, एक बार जो है क्लिक करना है, ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी अच्छा एक बूट ओपनर जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनर जो है दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बूट इसका है। नीचे जो आपको इसके रिफ्लेक्टर्स वगैरह, पीछे की साइड में जो आपको LED इसकी डियाल्स वगैरह एंड जो है पूरी टेल लाइट जो आपको LED में देखने मिलेगी। MG हेक्टर प्लस की जो है बैजिंग, इधर की साइड जो आपको इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, वाइपर जो आपको मिल जाता है, पूरा स्पॉइलर आपको रेड कलर में, शार्फिन एंटीना एंड जो है आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है यहाँ पे देखने मिलेगा। MG का लोगो यहाँ पे जो क्रोम का भी काफ़ी अच्छा यूज़ दिया गया है। नीचे जो आप देख सकते हो पार्किंग सेंसर्स आपको नीचे मिल जाते हैं। सो बाहर से जो है देखने में 7 सीटर जैसी है ये भी, और वो भी दोनों सेम है, सिर्फ फर्क है कि ये जो है 6 सीटर वो जो है 7 सीटर है, एंड और भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस है वो भी जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसमें 18 इंचेस के, जो कि पहले आपको 17 इंचेस के मिलते थे। तो यहाँ पे जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया गया है, एंड यहाँ पे 215/55 R18 का जो है साइज इसका होने वाला टायर साइज। पीछे की साइड में जो आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे एंड फ्रंट की साइड में भी जो आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। पूरी बॉडी किट मिल जाती है गाड़ी में आपको, कीलेस एंट्री वगैरह। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ORBMs आप देख सकते हो, अभी जैसे हम इसके पास में आए थे जो है ऑटोमेटिक ओपन हो चुके हैं। तो कीलेस एंट्री जो आपको गाड़ी में देखने को मिलती है, 360 कैमरा जो आपको 7 सीटर में नहीं मिलता वो जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जो है इसका एक और फीचर जो है होने वाला है, जो कि आपको 6 सीटर में ही देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी जो आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैं दूर गया गाड़ी ऑटोमेटिक ऑफ होगी, जैसे ही पास जाऊँगा ऑटोमेटिक फिर से ऑन हो जाएगी। अभी देख सकते हो फिर से जो गाड़ी ऑन हो चुकी है। सो यहाँ पे इंटीरियर में भी आपको दिखाऊंगा, फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ कैसी क्या जो फ्रंट से लगती है। फ्रंट से जो गाइस आप देख सकते हो, अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ, DRLs आप देख सकते हो LED में जो आपको DRLs देखने को मिलेंगे। नीचे जो आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पे जो है कहने का मतलब पूरा जो लाइटिंग सिस्टम वो जो आपको LED में देखने को मिलेगा। पूरी ग्रिल आप देख सकते हो, नीचे की साइड में जो आपको इसमें बम्पर मिल जाता है आपको गन मेटल ग्रे के कम्बिनेशन, साथ में पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। अभी चलते हैं इंटीरियर में, फिर दिखाता हूँ आपको इंटीरियर में जो है क्या कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। DRL आप क्लोथ से देख लीजिए, काफ़ी अच्छी जो है काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे DRLs देखने को मिलेंगी, जो कि आपको थोड़ी बहुत लैंड रोवर की भी याद दिला सकती है, बिकॉज उसमें भी जो है नीचे की साइड में कुछ ऐसा ही डिज़ाइन मिलता है। अभी जो है चलते हैं अंदर कीलेस एंट्री, यहाँ पे जो है चारों पावर विंडोज़ आपको देखने को मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक आपको ORBM देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आपको सीट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, बैकरेस्ट एंड जो है हाइट वगैरह सब कुछ जो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी जो है लाइट थोड़ी सी लो हो चुकी है, बिकॉज अभी अंधेरा होता जा रहा है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप जो है समझ जाना। बाकी जो आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जाता है, सारे कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल वगैरह, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह सब कुछ जो आपको इसमें देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको एयरबैग मिल जाता है, MG का लोगो आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे हेडलाइट वगैरह के, ORBMs वगैरह के सारे कंट्रोल्स आपको देखने मिलेंगे। अभी जो मेन है वो जो है गाइस इसकी MID आपको दिखाता हूँ कि MID में जो आपको क्या कुछ मिलता है। सो वो जो है मेन, बिकॉज काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज थे कि 6 सीटर और जो है 7 सीटर की MID में जो है क्या फ़र्क हमें मिलता है, सो वही जो है आपको दिखाना है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल्ली डिजिटल आपको इसमें MID देखने को मिलेगी। अभी जो है इसको ऑन कर लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे जो है आप MID देख सकते हो गाड़ी की, MID जो है फुल्ली डिजिटल होने वाली है। वैसे जो थोड़ा बहुत आपको एनालॉग भी देखने को मिलेगा स्पीडो, लेकिन जो दिखने में आपको फुल्ली डिजिटल वाली फील देगी। जो अपनी 7 सीटर आती है उसमें जो बेसिक MID मिलती है, लेकिन इसमें जो आपको डिजिटल मिलेगी, सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ड्राइविंग टाइमिंग वगैरह, नीचे जो है रेंज वगैरह, फ्यूल मीटर वगैरह सब कुछ जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सारे फीचर्स की जो कोई भी आपको इसमें कमी नहीं मिलेगी। माइलेज वगैरह भी शो करेगा कि क्या कुछ जो है गाड़ी माइलेज दे रही है। सो सारे फीचर्स जो आपको इस MID में देखने मिलेंगे। जो लोग सोच रही थी 7 सीटर में जो आपको ये मिलेगा, तो 7 सीटर में नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है 6 सीटर में आपको ये डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10.4 इंच का जो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, पूरे AC वेंट्स आपको, मतलब इंटीरियर जो है सेम होने वाला है, जो 7 सीटर अपनी बिल्कुल वैसा ही जो है इसका इंटीरियर होगा। यहाँ पे जो देख सकते हो ऑटोमेटिक में जो है गाड़ी है, सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे। सो ये जो इसका टॉप मॉडल होने वाला है, यहाँ पे पूरा इन्फिनिटी का आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, चारों पावर विंडोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। सॉफ्ट टच में जो पूरा इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं कुछ कमांड्स वगैरह यूज़ करते हैं कि इसमें जो कमांड्स वगैरह कैसे वर्क करती है। सबसे पहले बोलते हैं यहाँ पे हेलो MG, आई एम ही,
खुल जा सिम सिम। पार्डन? खुल जा सिम सिम। ये आप देख सकते हो गाइस, पूरा जो सनरूफ है वो खुल चुका है हमारा। सो ये कुछ इसमें हिंदी कमांड्स ऐड की गई है। हेलो एमजी। हाय, हाउ कैन आई हेल्प? क्लोज सनरूफ। सो यहाँ पे जो है सनरूफ को क्लोज कर दिया गया है। सो काफी कूल कूल जो है इसमें कमांड्स दी गई है। अभी जो है एक और यूज करके दिखाता हूँ इसमें, जो मेरे याद है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो हेलो एमजी। आई एम हियर। मेरे को गर्मी लग रही है। ओके, टेम्परेचर इज लोअर टू 20.5 डिग्रीज। सो यहाँ पे जो है एसी को ऑन कर दिया गया है और आप देख सकते हो। सो काफी अच्छे से जो है पूरा वर्किंग करता है इसका कमांड सिस्टम। यहाँ पे टाइम जो है लगभग 6 बज चुके हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो यार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ये सब जो है कर लेना। बाकी इसमें जो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे गाइस, यहाँ पे जो है आपको इसमें लाइटिंग भी मिलती है, एम्बियंट लाइट वगैरह भी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी बंद कर देते हैं। हेलो एमजी। आई एम लिसनिंग। क्लोज द एसी। क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑफ। या तो ऐसी कुछ आपको कमांड्स देखने को मिलेंगी। बाकी गाइस एक बार लाइट जो है कैबिन लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। कैबिन लाइट आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी, वेंटी मिरर जो आपको इधर की साइड में भी देखने को मिल जाता है। डिजाइन दोनों साइड जो आपको वेंटी मिरर देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको सेंस सीटर में दिखाया। बाकी कुछ रियर से आप देख सकते हो, दो पायलट सीट्स मिल जाएंगे आपको सेंटर में, एंड जो है रियर की साइड में आपको दो सीट्स मिल जाती है किड्स वगैरह के लिए। सो ऐसा कुछ आपको पूरा इसका इंटीरियर देखने मिलेगा। ये जो है एक बेसिक सा आपको दिखाना था कि हाँ जो न्यू मॉडल आया है वो जो है कैसा है दिखने में। वायरलेस आपको चार्जिंग इस मॉडल में भी देखने मिलेगी। सो ये भी जो है आपको इस मॉडल में देखने को मिल जाएंगी। बाकी एसी वगैरह के जो पूरे कंट्रोल्स वगैरह वो जो आप यहीं से सेट कर पाओगे, ये आप देख सकते हो, ये सब जो आपको यहीं पर सेट कर पाओगे। फैन वगैरह की जो है स्पीड यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। फुल स्पीड करो तो आप देख सकते हो, ये जो इसकी फुल स्पीड है कर देते हैं बंद, ऑफ कर दूं। सो यहाँ पे जो है पूरा बंद हो चुका है अपना सिस्टम। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इसका इंटीरियर जो है देखने में काफ़ी प्रीमियम और जो है लग्जरी फील देगा आपको। बाकी स्टेयरिंग आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग इसमें मिल जाता है आपको। सिल्वर की जो है यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिलेगी, सिल्वर कलर की, पूरा सिल्वर कलर का जो है यहाँ पे भी आपको फिनिशिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे कम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स इसमें मिल जाता है, पार्किंग, रियर, न्यूट्रल, एंड जो है यहाँ पे आप सब कुछ सेट कर पाओगे। बाकी ये कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे इसके, पावर ब्रेक्स वगैरह के। उसके अलावा ये जो है इसका हैंडल्स देखने को मिल जाता है। ये इसकी पूरी MID होने वाली, जो कि फुली डिजिटल, जिसमें बीच में आपको सब कुछ शो करेगा। यदि विंडो ओपन है तो यहाँ पे आपको सब कुछ शो करेगा कि विंडो ओपन है, ये सब कुछ जो है वार्निंग्स वगैरह जो सब कुछ यहाँ पे शो करने वाला है। बाकी भी चलते हैं पीछे की साइड में, फिर आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है इस गाड़ी में। सो ये अभी जो आपको पीछे की साइड में दिखा दूँ, पीछे जो है क्या कुछ आपको स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। सबसे पहले दिखा दूँ जो फ्रंट का जो पिलर है वो आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा, रेड कलर में। जो बी पिलर और सी पिलर ये जो है मैट ब्लैक में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है पूरा आपको क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा एंड तक। तो ये भी जो है काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं इस गाड़ी को। यही सीट्स आप देख सकते हो, ये कुछ आपको सीट्स इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। तो पूरा जो इसका सिस्टम, पूरा जो सीटिंग सिस्टम वो जो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, पूरा लग्जरी फील देने वाला है। सिक्स सीटर जो है लग्जरी के लिए ज़्यादा फेमस है, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पेस भले ही कम मिलता हो बैठने वगैरह के लिए, लेकिन जो आपको फील मिलेगी वो जो है पूरी आपको प्रीमियम फील मिलेगी। AC वेंट्स, चार्जर वगैरह सब कुछ आपको मिलता है, मैंने आपको दिखाई रखा है यार, वो आपको भी पता है। बाकी सेवन सीटर वाला आप रिव्यू देख सकते हो, उसमें जो सब कुछ शो किया है मैंने। अभी जो है इसके लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे फालतू में क्यों बैटरी को डेड किया। अभी जो है गाड़ी को लॉक कर देते हैं। सो बाकी अभी जो है गाइस मैं आपके ऊपर बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि बूट स्पेस वगैरह जो है क्या कुछ आपके इसमें मिलेगा। तो बूट को जो मैं इसी से ओपन करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे जो है ज़्यादा मज़ा आता है इससे खोलने में। सो यहाँ पे जो है बूट स्पेस आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यदि आप सीट्स को जो है डाउन कर देते हो तो जो है आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, पूरा स्पेस जो है मिलेगा। यहाँ पे आपको लाइट जो है मिल जाती है, बूट स्पेस की जो है लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा स्पेस जो आपको गाड़ी में देखने को मिलता है। अभी जो है कर देते हैं इसको क्लोज। सो गाइस ये था इसका एक क्विक वॉक अराउंड MG हेक्टर 6 सीटर का। सो ये कुछ इसका वॉक अराउंड था। बाकी गाइस कोई भी डाउट्स हो नीचे जो कमेंट कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।